हाँ, रामचरित मानस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं वो एक प्रकार से मूर्ख हैं, और मूर्ख का कोई उनके सुनने लायक शब्द नहीं होते, उनको सुनना ही नहीं चाहिए। जब पता है कि जब रामचरित मानस पूज्य तुलसीदास बाबा ने लिखी थी तो कई प्रकार से उस पर परीक्षण किए गए, कई राजाओं ने उस पर परीक्षण किए गए थे, तो उसके कई ऐसे प्रमाण हैं कि पलड़ों पर उसको तोला गया था रामचरितमानस को, तो उसका जहाँ भी प्रमाण मिला वो सर्वश्रेष्ठ मिला। तो रामचरितमानस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं उनको यही नहीं पता है कि रामचरितमानस है क्या, इनकी चौपाइयों का मतलब क्या है। तो ये मूर्खता का विषय है, इस पर तो हमें ध्यान ही नहीं देना है। और हमारे पूज्य संतों का ये निर्णय भी है कि इस तरह से समाज में जो विकृतियाँ फैला रहे हैं, हमारी धर्म ग्रंथों पर जो इस तरह से एक समाज में एक अपना एक ऐसा परिचय दे रहे हैं जैसे एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग, मतलब धर्म पर कुछ भी बोल देते हैं, शास्त्रों पर कुछ भी बोल देते हैं, जो अपने आप को ऐसे लोग स्वामी कहला रहे हैं समाज में। तो कहते हैं ना कि काल नेम जिमे रावण राहु उघरे अंत न होए निभाऊ, तो ये लोगों की वाणी से पता चल रहा है कि ये काल नेमी रावण जैसे संत हैं।